हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसका एक टॉपिक है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये है क्या, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। ये एक बंदा था जी, रेने डी कार्टिस। ठीक है, तो इसने ये एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर हम किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को ट्रेस कर सकते थे एक स्पेसिफिक सिस्टम को ओबे करते हुए। ठीक है, तो उसके नाम पे इसका एक और नाम रख दिया गया फिर, था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पहले ये नाम था, बाद में ये नाम बना, क्योंकि इसकी रेक्टेंगुलर शेप को देखते हुए उन्होंने रख दिया होगा भैया रेक्टेंगुलर शेप का। अब ये होता क्या, ठीक है, इसकी डिफाइन करते हैं। सॉरी, 2 और 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन एट ईच अदर एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, फॉर्म्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द पॉइंट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं भाई जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसे देखते हैं कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। आपने क्या करना है, 2 लाइंस लेनी है और उनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ये 2 लाइंस वाला करते हैं, 3 वाला बाद में करेंगे। 2 लाइंस ली, उनको एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक लाइन है, ये एक और लाइन है, इनको एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। मैंने कहा ये पहली लाइन मैंने ब्लू से बना ली, दूसरी लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये बन गया जी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट का नाम देना है। को का मतलब होता है इकट्ठे, ठीक है, जैसे को एजुकेशन। अब इकट्ठे कोऑर्डिनेट्स आप कह लो कि इधर से ही निकला है, इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक इसकी लाइन कोऑर्डिनेट कहा गया था। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर जो 2 लाइनें हैं इनको हम कहते हैं एक लाइन, जो कि हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको नाम होगा जी वर्टिकल लाइन, और ये ऐसे लेटी लाइन, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, 2 लाइन, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको नाम क्या देते हैं, ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता था, इसलिए इधर क्या लिख देते हैं जी हम, ओ। ठीक है जी, ओ लिख दिया इधर आपने ओरिजिन। अच्छा अब वो कहता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं इधर सिस्टम में एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको नाम दे देते हैं जी हम वाई एक्सिस। कितनी लाइनों वाले में, 2 लाइंस वाले में। अच्छा, 1 लाइन इंडिकेट 1 डायमेंशन, तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ फिर, 2D मीन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस वक्त हम 2 डायमेंशन, अगर आप इसकी शक्लो सूरत देखो तो आपको ये डब्बे रेक्टेंगल की शक्ल में नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वहीं से। अच्छा अब इसके अंदर ये जो 2 लाइनें हैं, ये तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है, जब इनका जमाना था भाई का तो इसके जमाने में y एक्सिस का नाम था ऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका नाम था एब्सिसा x एक्सिस का। ठीक है, तो ऑर्डिनेट से फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट इधर से नाम जनरेट करवा दिया इसका। अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन पे आपको पता है जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो ओरिजिन से स्टार्ट हम कहते हैं कि भाई ये चीज ओरिजिन से अपने चली है। ओरिजिन मीन के वो उसका 0 लेवल था, जिसका मतलब है ये 0 लेवल है। मैंने कहा भाई किस किस का, उसने कहा सर 2 लाइनें हैं तो दोनों लाइनों का ये क्या है, 0 लेवल। इसका मतलब है कि ये 0 और 0। अच्छा, 0 0 का मतलब है कि पहली लाइन भी 0 है, दूसरी लाइन भी 0। अब मुझे नहीं पता यार पहली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी। तो उन्होंने कहा सर आप ऐसे करो, आप ए बी सी डी को देख लो, उसमें एक्स वाई जेड देख लो। ठीक है, जैसे एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, जेड बाद। तो उसने कहा जो एक्स है वो पहला पॉइंट है और वाई जो है वो आपका दूसरा पॉइंट। मैंने कहा हाँ यार ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो ओरिजिन है उससे लेफ्ट की साइड पर, सॉरी राइट की साइड पर,
आपका जो x है वो पॉजिटिव सेंस में चलना है, ठीक है। यानी कि इधर आप इसको सिस्टम्स में पार्ट्स में क्या कर लेते हो, डिवाइड, जैसे कि आपके पास स्केलिंग कर लेते हो आप इसके ऊपर, ठीक है, पॉइंट्स बना लेते हो। जैसे कि मैं इधर बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये ला मैं 2 टाइम, सेम इधर। अब जितना डिस्टेंस इसके इधर होगा उतना इधर होगा, ठीक है, सेम वाई एक्सिस पे। अब ये क्या इंडिकेट करने के लिए होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स, जो बताएंगे कि भाई इतने कदम, कदम के लिए आसाब कर लो कि भाई इतने कदम चलना है, इतने कदम चलना है, ठीक है। हमने कहा यार इसकी ज़रूरत क्या थी, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला भी तो था। उसने कहा हाँ सर, ये बात भी ठीक है कि आप कहते हो सर आप नॉर्थ की जानब इतने कदम चल लो, वेस्ट की जानब। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन उसके अंदर आप बच्चों एक चीज़ सोचो कि गड़बड़ थी, वो गड़बड़ मैं आपको भी बताता हूँ, पहले इसे समझ लें। जो एक्स एक्सिस है वो आपकी इस साइड वाला, ये देखें, ये लेफ्ट है, ये राइट, राइट साइड पे आपका एक्स होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे आपका एक्स चलेगा नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये जीरो है, अगर मैं इसको पॉइंट वन कंसिडर करता हूँ तो ये होगा -1, ये होगा +2, ठीक है। तो प्लस आपको पता लिखते नहीं, तो ये 2 तो ये -2, ये 3 तो ये -3, ये 4 तो ये -4, समझ आ गई। और वाई ऊपर जाते हुए चीज़ अपनी पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो अगर ये 1 है तो ये होगा आपका -1, ये 2 है तो ये होगा -2, ये 3 है तो ये होगा -3, ये 4 है तो ये होगा -4, ये 5 तो ये -1, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब इसकी ज़रूरत क्यों बनी वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपको कुछ क्लियर हुआ कि टू लाइन्स ड्रान एट ईच अदर, कैसी, परपेंडिकुलर ड्रान की हुई है और इनके पॉइंट इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पर, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है, ओरिजिन। ये आपके आगे डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसको जरा और देखते हैं कि हमने इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो ये हमारा पुराना देसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाला, सन राइजेज इन द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही होता है, साउथ नॉर्थ देख लेना ये, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना मैं आपको कहता हूँ कि यार कोई चीज़ इधर जा रही है, आपने कहा सर इधर जाने का मतलब है यहाँ से यूँ जा रही है, मैंने कहा हाँ भाई। उसने कहा सर ये नो चीज़ ना नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में एक वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हम इसे एरो हेड से या एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब भी चीज़ इधर जा रही है, अब भी चीज़ नॉर्थ वेस्ट में है, अब भी चीज़ नॉर्थ वेस्ट में है, और अब भी चीज़ नॉर्थ वेस्ट में है, अब भी चीज़। लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये सारी वेक्टर्स क्या एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है? उन्होंने कहा जी सर। मैंने कहा ये जाएंगे एक ही जगह पर, मतलब एंडिंग पॉइंट इनके सेम होगा? आपने कहा सर नहीं सर, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो फिर हमने ये चूज़ किया, इसके अंदर एक कमाल चीज़ है, वो कमाल चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम वेक्टर को इंडिकेट करते हैं कुछ एक स्पेसिफिक, हमारे पास चीज़ है जिसे हम बोलते हैं उसका एंगल, ठीक है। उस एंगल क्या देता है हमें उसकी डायरेक्शन, अब वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या सीन है। वो कुछ ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि अभी मैं ना इसको ऐसे बनाता हूँ ये, ठीक है, ऐसे, और अब आपको पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस, ठीक है। और इसको कभी कभी एक्स प्राइम और वाई प्राइम से भी जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो वो आपने देख लेना कि आपने किससे जाहिर करना है, तो इसमें घबराना नहीं। और यहाँ पर आपका ओरिजिन, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर हमने किसी पॉइंट या लोकेशन को कैसे बताना? उसने कहा सर लेट्स सपोज ये यहाँ पर पॉइंट पी है, तो मैंने कहा भाई पी है तो पी तक पहुँचने के आपके पास कितने रस्ते हैं? मैंने कहा भाई 2 रस्ते हैं। उसने कहा सर वो 2 रस्ते कैसे? मैंने कहा आप ऐसे करो 1, 2, 3, 4, 4 कदम चलो आप किसके ऊपर, लेट्स सपोज इसे इधर कर लेते हैं पॉइंट पी को, 4 कदम तो चलो आप सर इसके ऊपर एक्स के ऊपर। मैंने कहा अच्छा, और उसके बाद एक्स पर 4 कदम चलने के बाद आप देखो मैंने कितने कदम चले वाई पे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 4 कदम एक्स पे और 5 कदम वाई पे, तो आप कहाँ पर पहुँचोगे पॉइंट पे को। उसने कहा सर फिर इधर भी तो ऐसे कह ही सकते हो कि आप इतने कदम वेस्ट में चलो इतने कदम नॉर्थ में चलो। मैंने कहा हाँ यार। अच्छा और दूसरा तरीका यह है कि पहले आप चलो वाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम चलो और फिर ऐसे चलो एक्स पे, तो ये आगे आप इसे लिखोगे भाई सर पहले 5 कदम मैंने वाई पे चले और देन 4 कदम चले एक्स पे, तो मैं पॉइंट पी तक पहुंच गया। मैंने कहा यार ये बड़ा कंज्यूमिंग फैक्टर है कि पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता आसान है, मुझे डायरेक्ट रूट बता। अच्छा उसने कहा सर डायरेक्ट रूट का मतलब आप सीधे ओरिजिन से जाना चाहते हो, क्योंकि मैं ओरिजिन के लिहाज से डायरेक्शन देख रहा हूँ कि किधर है, लेकिन इसके मुताबिक तो पहले मेरी डायरेक्शन ये है पहले बाद में ये है। बंदा ही मुकर रहा है, कहता है सर पहले मैं यूँ जाऊँगा फिर यूँ जाऊँगा, मुझे क्या पता वो कितना ऊपर जाएगा या कितना ऐसे जाएगा।
हमें तो वेक्टर की सेंस में चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा भी उसके लिए तो सीधा है, वेक्टर को ड्रा कर दो। तो उसने कहा सर इसमें और उसमें फ़र्क क्या रह गया, उसमें आपको सर यूँ जाके ऐसे आ जाओ यहाँ से वैक्टर ड्रा कर दो। मैंने कहा यार उसके अंदर ना नॉर्थ वेस्ट है, इधर आप वाई एक्स कह लो। तो उसने कहा फिर बात तो वही होगी सर, इसके अंदर भी आप बेशबा वेक्टर। मैंने कहा हाँ यार। फिर उसने कहा सर अगर आप इसको इसी रेक्टेंगल को देखो तो इसको आप एक सर्कुलर शक्ल में भी तो ड्रा कर सकते हो। सर्कल बन गया अब। तो मैंने कहा एक सर्कल के अंदर आपको पता है कि टोटल कितना एंगल होगा, 360। एक सर्कल बन गया। इस 360 के आपने चार टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा कितने डिग्री का आ गया, 90। जिसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 है। और क्या एंगल को इस 90 के कितने टुकड़े बन सकते हैं, इस 90 के इन्फिनिट टुकड़े बन सकते हैं। कैसे, 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, यानी कि बहुत माइन्यूट। तो हर पॉइंट पर क्या बन रहा है, हमारा एक एंगल बन रहा है। तो फिर उसने कहा सर अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि मैंने इस वेक्टर को ड्रा किया एक स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, और वो एंगल कहाँ से लेना है। अब बुक ने हमें इसके लिए फिक्स कर दिया। मैंने कहा फिक्स क्यों कर रहे हो। उसने कहा सर जैसे हमने कहा था कि कुछ क्वांटिटीज फिक्स हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको फिक्स कर रखा है, उसके मुताबिक आपने जो इसकी डायरेक्शन का वेक्टर लेना है वो हमेशा एंगल लेना है कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। उसने कहा सर एंगल तो ऐसे भी ले सकते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे एंगल या ऐसे एंगल। अब आपको पता है ऐसे लूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा क्लॉकवाइज और ऐसे वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब हम प्रेफरेंस देते हैं एंटी क्लॉकवाइज को क्योंकि ये स्मॉलर एंगल बनता है, अगर इधर से लें तो एंगल लार्जर बनता है, ये यूं वाला, यूं करके यूं वाला। तो हमने स्मॉलर एंगल से लिया प्रेफरेंस, तो स्मॉलर एंगल बनता है पॉजिटिव एक्सिस से। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव कंसिडर हो रहा है इस साइड का और वाई भी पॉजिटिव। इसके अंदर आप देखो तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसके अंदर बोथ आर नेगेटिव, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसके अंदर चूंकि दोनों स्टार्टिंग प्लस से हो रही है इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल लिया गया और वो कैसा लिया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, थीटा से। और इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए अब होगा क्या कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, ए और बी। बुक ने कहा ए और बी, जैसे मैंने 4 और 5 का, इसमें जो ए है वो पहला आपका डायमेंशन इंडिकेट करेगा। पहला डायमेंशन कौन है, एक्स। तो इसका मतलब है ए इंडिकेट्स एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स, और बी की जगह क्या आ जाएगा, वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक। और यहाँ से जो थीटा है ये बताएगा कि कहाँ तक जाना है। मैंने कहा थीटा और इसका रोल क्या है आपका, अब थीटा ही कर लो। उसने कहा सर देखें लेट्स सपोज कि ये ओरिजिन है, आप यहाँ से चलते जा रहे हैं अब आपको अगर ए और बी दूंगा ही नहीं आप तो लाभ, मैं दूर जगह तक चलते ही जाओगे, यही होगा भाई। लेकिन जब मैं आपको कहूँ सर आप इतने एंगल पे चलें और आप दोनों कोऑर्डिनेट देखते जाएं, एक्स और वाई दोनों देखते जाएं, और जब मैं आपको कहूँ सर कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 और 5 होगी दोनों की किसी पॉइंट पे, वहाँ पे आपने रुक जाना है। मैंने कहा क्यों। उसने कहा सर वहाँ पर आपका पॉइंट पी बैठा होगा। मैंने कहा हाँ यार, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आपको एक डिजायर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, इधर डायरेक्शन वाला रोला नहीं था। इसका मतलब है कि अगर मैं इधर अब कोई एक और वेक्टर ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज ये पॉइंट P1 कह दें, तो इसके लिए एंगल यही होगा या एंगल और होगा, इसके लिए एंगल डेफिनेटली और हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर और हो जाएंगे, y के लिए ज़्यादा हो जाएंगे और x के लिए कम हो जाएंगे। लेट्स सपोज हम क्या देते हैं जी 3 और 6, तो मैं अब इस एंगल पे चलता जाऊँगा ऐसे थीटा 1 पे, ये जो मैंने बनाया थीटा 1, और चलता जाऊँगा और मैं कहूँगा जब 3 और 6 हो गए ना वहाँ पर जाकर मैंने रुक देना, वहाँ पर मेरा पॉइंट P1 बैठा हो। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एक को सिस्टमैटिक वे में आपको चला रहा है, इसलिए सिस्टमैटिक वे में सिस्टम की फॉर्म में आपको लेके चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि जो जिस ये जो आप देख रहे हो ये पूरा प्लेन है, प्लेन उड़ने वाला जहाज नहीं, प्लेन में ये जो आपके पास जैसे प्लेन नहीं होता बिल्कुल एरिया नुमा, तो ये आपका एक एरिया है। ये एरिया कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स का है, एक्स और वाई का। तो इसका मतलब है ये प्लेन, ये सारे प्लेन किसके प्लेन है, एक्स और वाई के, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट्स भी और ये प्लेन भी, तो ये एक्स और वाई के प्लेन है, ठीक है जी। ये आगे हमारे पास एक टर्म यूज होती है प्लेन, तो प्लेन बच्चों को समझ नहीं आता कि ये एक्स और वाई का प्लेन है, एक्स और वाई आपने देख लेना जिस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है वो उसका क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन से वाला, टू डायमेंशन वाला। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अब अगर तीसरी लाइन ड्रा करनी हो तो वो कैसे ड्रा होगी, उसको समझते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट वाला, टू डायमेंशन वाला था। अच्छा, अब अभी आपने कहा कि सर आपने लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। तो ये पहली लाइन,
इसके ऊपर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन भी इनके ऊपर परपेंडिकुलर हो। मुझे बताओ परपेंडिकुलर, अब इधर तो बोर्ड पे ड्रा हो नहीं सकता। फिर हाँ ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन मारूँ ऐसे शूं करके शूं, तो यूं। अब आप देखोगे क्या ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, तीनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन जाएगा आपका थ्री लाइंस वाला, मींस थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का मतलब है कि एक इसमें से एक्स होगी, एक वाई होगी और एक जेड होगी। अब हम एक्स वाई अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इधर हमें कहा गया आई थिंक वाई का, इधर जेड का, और ये जो थर्ड लाइन है ऐसे वैक्टर है, ये आपका कौन सा होगा एक्स एक्सिस, ये करके दिखाओ, हाँ जी। तो इसके अंदर जो रेड है वो आपके पास जेड है, जो ये वाला ब्लू है ये आपके पास वाई है, और जो आपकी तरफ है ये आपके पास क्या है एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही सीन है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन होगा, स्टिल यहाँ पर आपका थर्ड एक्स लगा हुआ है, ठीक है। अगर टू डायमेंशन होगा तो एक्स वाई, और अगर थर्ड आ जाएगा तो आपके पास जस्ट एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा जेड। इसका मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये वाई और जेड के इलाके में आता है, तो ये होगा वाई जेड प्लेन। ये वाला हिस्सा आता है वाई और जेड के दरमियान फिर भी, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये इतना हिस्सा जो आपके सामने इस साइड पे है बिल्कुल आपके परपेंडिकुलर, इसके अंदर जो ये है ये वाई में है और ये एक्स में, तो ये हिस्सा आ जाएगा वाई और एक्स प्लेन, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करो जो इधर हिस्सा बनना है ऐसे, इधर इसके अंदर जेड है और एक्स है, तो ये हिस्सा आ जाएगा एक्स और जेड प्लेन में। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? अच्छा, अब किसी ने पूछा सर इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसके अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को कैसे ट्रेस करेंगे? मैंने कहा इसके अंदर आपका वेक्टर कुछ यूं ड्रा होगा, इधर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास सिस्टम बना दिया मैंने, ये लें जी, ये लें, ये सिस्टम बन गया, इसके अंदर आपका वैक्टर यूँ होगा, ठीक है। तो उसने कहा सर इसके अंदर फिर हम पहुँचेंगे कैसे? तो पहुँचने के लिए अब इसको मैं ज़रा और क्लियर करके बनाता हूँ, वो कुछ यूँ बनाऊँगा कि मैं इसके नेगेटिव पोर्शन को एक बार उड़ा देता हूँ, होंगे तो सही लेकिन नेगेटिव पोर्शन उड़ा देता हूँ। इसमें जो थर्ड है आपका वो एग्जैक्टली यूं है, मीन्स कि आपकी तरफ, और ये कौन सा होगा आपका एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट का नाम क्या होगा ओरिजिन। अब इसके अंदर हमारा जो थर्ड वेक्टर है वो सॉरी वेक्टर जो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, यूं, ये वेक्टर पी होगा। अब जाहिर सी बात है पी तक पहुंचने के लिए हमारे पास तीन क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, ए बी और सी, ठीक है। अब सेम मैंने बताया था सीक्वेंस में चलें तो पहला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड होगा, यानी कि ए पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए आपने एक कदम चलना है, एक कदम मीन पाँच कुछ भी, क्योंकि ए इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है ना, मैं कहता हूँ कि पाँच कदम आप ए चलें, ए मीन एक्स पर, तो पाँच कदम आपने एक्स पर चलना है, तो ये एक्स है तो आपने पाँच कदम चलना है, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा। उसके बाद बी आपके पास है चार, और बी मीन वाई, चार कदम इधर चलें, एक दो तीन चार यहाँ पर आ गए। उसके बाद जेड पे आपने कितने कदम चलना है, लेट्स सपोज तीन, एक दो तीन, इसका मतलब है यहाँ से ये वेक्टर यहाँ तक बनता है, लेकिन रोला वही आ गया कि लंबे लंबे रूट से जाना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें क्या इंडिकेट करने के लिए चाहिए डायरेक्शन। तो मैं कभी डायरेक्शन रख दो, डायरेक्शन में क्या रोला है, उसने कहा सर ये देखें ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप वैक्टर को यूँ रखते हो ना, तो अगर आप एक्स से डायरेक्शन लोगे तो वैक्टर पूरा यूँ घूम सकता है, उनका देखो ना इधर है, तो अगर आप एक्स से डायरेक्शन लोगे तो वैक्टर यूँ घूम रहे, तो वाई से पता नहीं कितनी दूर है और जेड से पता नहीं कितनी दूर है, तो इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखने के लिए हमें एक्स सिर्फ एंगल इनफ नहीं है। अगर मैं एक्स लेता हूं तो ये ऐसे ऐसे मूव हो सकता है, अब एक्स से एंगल कुछ भी ले लो, ये इधर भी तो हो सकता है एंगल, इधर भी तो हो सकता है, अब वाई से पता नहीं कितनी दूर है, तो वाई के लिए एक एंगल हमने बना लिया इधर से ऐसे, तो वाई से आ गया, लेकिन अब जेड से पता नहीं कितनी दूर है, तो जेड के लिए भी एक एंगल बना लिया। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर एक एंगल इधर से, एक एंगल इधर से और एक एंगल इधर से, तीनों पॉजिटिव एंगल्स लिए जाएंगे, एक एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा। इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास छह चीजें चाहिए, थ्री कोऑर्डिनेट्स, और थ्री एंगल्स, पॉजिटिव साइड्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है। इसका मतलब है 3D के अंदर आपके पास छह चीजें होगी,
तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट्स ही होंगे तो आपको कहोगे सर ये आपके जैसे रूम है ना कोई भी, उस रूम का कोई भी आप कॉर्नर देख लो, उसके अंदर आप एक्स वाई जेड चलो, लेट्स सपोज ये डाउन कॉर्नर आप देख लो, इसके अंदर आप इस साइड को ले लो आपने जेड, इधर आपके पास वाई और इधर एक्स, तो यहाँ से अगर मैं कोई वैक्टर को रखूँ तो इस वैक्टर के मुताबिक आप डायरेक्शंस ले लो जस्ट, तो आप चलते ही जाओगे, रुकना कहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तीन कोऑर्डिनेट, तो तीन कोऑर्डिनेट और जहाँ जिस डायरेक्शन में चलना है वहाँ से तीन एंगल। और अगर मैं बात करूँ 2D की, 2D के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए, 2D के लिए कितनी चाहिए, चाहिए टू कोऑर्डिनेट्स और वन एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज को बुक में कई जगह पर काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा होता है, ठीक है, तो आपने तब घबराना नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, एक्सिस सन ने तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ाया था, काउंटर, काउंटर का मतलब होता है उल्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास कितनी चीजें हो जाएंगी, 6 चीजें। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर रास्ते तो बहुत बनते हैं, अब किसी को क्या पता कौन से रास्ते से जाना है, तो हमें तो चाहिए वेक्टर जो सीधा जाए, तो इसलिए हमने इसके साथ कितने एंगल बना दिए हैं, 3 एंगल बना दिए, प्लेन मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये आगे यूज होना है बहुत ज्यादा 2 डायमेंशन मोशन में, 3 डायमेंशन मोशन में, जब 2 डायमेंशन मोस्टली हम यूज करते हैं, 3 बहुत कम होती है, तो इसलिए ये जो 3 डायमेंशन है ये थर्ड वेक्टर आपका इधर हवा में है, ठीक है, तो इसलिए इस थर्ड डायमेंशन का दूसरा नाम क्या है, स्पेस, कि हम वेक्टर को जब स्पेस में जाहिर करेंगे तो आपके अल्टीमेटली दिमाग में चीज़ चली जानी चाहिए कि हम 3 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएं, थैंक यू।